पिछले कई महीनों से विवादों में घिरी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को खेल मंत्रालय ने रविवार 24 दिसंबर को सस्पेंड कर दिया। 3 दिन पहले 21 सितंबर को ही WFI के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह बतौर नए प्रेसिडेंट चुने गए। नए अध्यक्ष की जीत के बाद WFI ने 28 सितंबर से उत्तर प्रदेश के गोंडा में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट करने का ऐलान किया। गोंडा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण का संसदीय क्षेत्र है। रेसलर्स ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद कई महीनों तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करते रहे। खेल मंत्रालय के WFI की नई टीम पर कार्रवाई के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है। वहीं ये खबर तब आई जब संजय सिंह फ्लाइट में थे। वो फ्लाइट में अपना सफर तय कर रहे थे और उस वक्त उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरे, उनसे सवाल किए गए तब वो शॉक्ड थे। उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सत्कार तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक इस मामले से जुड़ा कोई लेटर नहीं मिला है। लेटर मिलने के बाद ही मैं तय करूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। देखिए क्या कुछ कहा संजय सिंह ने। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस धन, अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। अब क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया है क्या नहीं है, तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं, केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जो भी है, अभी कोई कमेंट नहीं है। इसके बाद मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करता हूँ। धन्यवाद। अभी नो कमेंट, नो कमेंट। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।